अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, स्टिचिंग विद आयशा के साथ मैं हूँ आपके साथ आयशा। आज की मेरी वीडियो में हम सीखेंगे नेक कॉलर बनाना। लेकिन मोस्टली जो है हम नेक कॉलर बनाते हैं तो हम बुकरम या फ्यूजिंग जो है वो यूज़ करते हैं, जेंट्स बुकरम या लेडीज़ बुकरम किसी भी तरह की, उसके साथ जो है वो हम यूज़ करके अपना नेक या बैन हम जो भी हमने बनाना होता है कॉलर वगैरह वो हम बनाते हैं। लेकिन मेरी इस वीडियो में मैं आपको बैन और नेक कॉलर बनाना सिखाऊंगी विदाउट बुकरम के। हम सिर्फ कपड़े के साथ ही जो है वो उसको बनाएंगे, कपड़े के ऊपर ही कटिंग करेंगे। इसके लिए ये देखें, सबसे पहले मैंने ये जो हमारी पट्टी है ये मैंने बना के रखी हुई है। फ्रंट का बैक का गला मेरा जो है वो बिल्कुल मैंने कटिंग किया हुआ है। इसमें ये आप देखें कि मेरा जो फ्रंट का नेक आपको कटिंग किया हुआ नज़र आ रहा है ये बिल्कुल गुलाई में नहीं है, ठीक है। जैसे कि हम मोस्टली करते हैं बैंड के लिए, नेक के लिए, तो जितनी भी मेरी नई सीखने वाली बहनें हैं मैं उनको ये बताना चाहूँगी कि आप जब भी नेक लगाएं तो उसकी कटिंग गुलाई में नहीं करें, थोड़ी सी इसकी तिरछी हल्की सी वी शेप में करें। इससे जो है वो कॉलर हो चाहे वो बैन हो किसी भी तरह का हो वो बहुत अच्छे से जो है वो लगता है, उसमें बल नहीं आता, झोल नहीं आता बैन के अंदर। अगर आप यहाँ से इसकी कटिंग गुलाई में करते हैं, जैसे अगर मैं इसको यहाँ से थोड़ा सा और इसको हाफ इंचेस भी कटिंग कर दूँ तो बैन हमारा इसी शेप में लगेगा और जब हम उसको इस्त्री करेंगे और पहनेंगे तो यहाँ पे हल्का सा बैन के ऊपर जो है वो झूलाना शुरू हो जाता है। तो इस तरह बिल्कुल भी नहीं होगा अगर आप अपने नेक की कटिंग थोड़े इस तरीके से करेंगे, ठीक है। बिल्कुल गोल नहीं है ये और बिल्कुल वी भी नहीं है, ये हल्का सा तिरछा सा जो है वो मेरे नेक की कटिंग है। इसके अलावा मेरा जो बैक का नेक है इसके ऊपर भी मैंने हाफ इंच जो है वो इसको हल्की सी कटिंग उसको किया हुआ है। तो चलिए हम अपने नेक की मेजरमेंट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये जो हमारी पट्टी है, ये जो मैंने बनाई हुई है, इसको हम रखेंगे इस तरह डबल, ठीक है। डबल करके ये देखें इस तरह बिल्कुल बराबर करते हुए फ्रंट और बैक दोनों के नेक को इस तरीके से, ठीक है। ये हमारा नेक हो गया दरमियान बिल्कुल इसका, और यहाँ पे मैंने हल्का सा कट पहले से ही लगाया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से हम मेजरमेंट करेंगे, इस जगह पे आके हमारा कपड़ा जो है वो थोड़ा सा फ्लेक्सिबल हो जाता है, ठीक है, खींचता है थोड़ा सा। तो हमने इसको मेजरमेंट करते हुए खींचना नहीं है, बिल्कुल हल्के हाथ से इसकी मेजरमेंट करनी है, ना तो नेक का कपड़ा खींचना है और ना ही आपने जो है वो इंच टेप का कपड़ा खींचना है, ठीक है। अभी इसको हमने यहाँ से ऐसे लिया और फिर यहाँ से घुमाते हुए हम यहाँ ले गए, तो तकरीबन ये मेरा है 9.5 इंचेस, ठीक है। अब इसी के ऊपर जो है हम अपनी नेक की जो है वो मेजरमेंट करेंगे, कटिंग करेंगे, सॉरी। ये देखिए व्यूअर्स, ये मेरे शर्ट के फैब्रिक के साथ का ही एक्स्ट्रा फैब्रिक है जो मैंने लिया है, इसको मैंने डबल कर लिया है। जो उसकी फोल्डिंग वाली साइड है वो इस तरफ आएगी, ठीक है, जहाँ से हम कटिंग करेंगे। अब इसको हम सही से बराबर में डबल कर लेंगे। डबल करने के बाद इसको हमने ऐसे रखा, ये वाली जो साइड है ये वाली यहाँ से आएगी, ठीक है। ये मेरे मैं अपनी तरफ इसको कर रही हूँ, यहाँ पे हम इसको रखेंगे और यहाँ से ही हम मेजरमेंट अपनी स्टार्ट करते हैं। चलिए अपनी मेजरमेंट हम स्टार्ट करते हैं। 9.5 है मेरी मेजरमेंट, तो मैं इसको इतना ही रखूँगी और यहाँ पे मैं इसको एक निशान लगा दूँगी। निशान लगाने के बाद यहाँ पर मैं बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जो है वो ड्रॉ करूँगी। ड्रॉ करने के बाद यहाँ पे भी मैं एक लाइन लगा देती हूँ, ठीक है। ये हमारा एल बन गया। अब यहाँ से आहिस्ता आहिस्ता करते हुए मैं यहाँ पे थोड़ी सी गुलाई दूंगी मेरे बैन को, ठीक है। और यहाँ से अब गुलाई आ गई है, क्योंकि गुलाई आने के बाद जो है वो हमारा नेक जो है, हमारा जो बैन है सॉरी, उसकी मेजरमेंट जो हमने यहाँ से की थी अब हम इसको दोबारा यहाँ गुलाई से करेंगे, ठीक है। मैं थोड़ा सा डार्क कर देती हूँ ताकि आपको नज़र आए। नेक की गुलाई जो है वो मैंने आपके सामने कर ली है। अब हम इसकी जो है मेजरमेंट करेंगे अपने बैन की। 9.5 जो है वो मेरे बैन की लंबाई थी, तो हम इसको इसी तरीके से रख कर देखें। 9.5 मैंने यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है। यहाँ से रख के हम इसको अपनी मेजरमेंट करेंगे थोड़ी सी गुलाई में, जिस तरीके से हमारे गुलाई का निशान है बिल्कुल उसी तरीके से हम इसको मेजर करेंगे। इंच टेप को भी आपने वैसे ही घुमाना है, ठीक है। आपने इसको सीधा नहीं रखना है, सीधा हमने जो किया था वो यहाँ से किया था, वो मैंने आपको पहले ही दिखा रहा था। लेकिन जब हम इसको गुलाई देंगे तो हमेशा हम अपने बैन की जो मेजरमेंट है वो गुलाई में ही करेंगे, ठीक है। यहाँ से हमने गुलाई की और मेरा ये निशान आ गया, ठीक है। यहाँ पे मैंने निशान लगा दिया। निशान लगाने के बाद यहाँ पे मैंने एक और क्रॉस में हल्का सा निशान दिया है। अब यहाँ से मुझे चाहिए तकरीबन 1 इंच या इससे भी ज़्यादा, क्योंकि इसके ऊपर जो है वो मुझे कॉर्नर लगाना, तो मुझे ये ज़्यादा बड़ा नहीं चाहिए, ठीक है। और अगर आप सिर्फ बैन बना रहे हैं तो बैन जो है वो अपने हिसाब से रखेंगे। 1 इंच से लेकर 1.25 इंच जो है वो बैन की चौड़ाई होती है, इससे ज़्यादा नहीं लीजिएगा बैन का, क्योंकि फिर इससे ज़्यादा जो है वो बुरा लगता है,
मैं इसके ऊपर कॉलर अटैच करूंगी, तो मैं ऑलमोस्ट जो है वो 1 इंच ले लेती हूँ, उसके बाद मेरा ये सिलाई में भी आएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको निशान लगाती हूँ, निशान लगाने के बाद मैं इसको इसी तरीके से जो है वो कट करूंगी। बैंड की कटिंग जो है वो मैंने कर ली है, बिल्कुल इसी के ऊपर जो है, इसी कपड़े के ऊपर हम रख के इसको जो है वो सिलाई लगाएंगे। सिलाई हम जो लगाएंगे वो नीचे की तरफ से नहीं लगाएंगे, जैसे कि आपको पता है कि हम सिर्फ ऊपर की तरफ से लगाएंगे, और ऊपर की तरफ से भी मैं सिर्फ इतनी सिलाई लगाऊंगी, सिर्फ इतनी इतनी, ठीक है। बिल्कुल बाकी इसके दरम्यान जो है वो मेरा कॉलर बन के आएगा। कॉलर की कटिंग भी जो है वो हम फैब्रिक के ऊपर ही करेंगे। देखिए व्यूअर्स, बैंड जो भी मैंने आपके सामने कटिंग किया था, इस कटिंग की हुए बैंड के नीचे कपड़ा रख के जो है वो मैंने, ये देखिए दोनों साइड पे सिर्फ इतनी इतनी सिलाई दी है, ठीक है। यहाँ से हल्का सा छोड़ा है, ये सिलाई का मार्जिन है जो हम कॉलर लगाते हुए हमारे काम आएगा। और यहाँ पे मैंने निशान लगा लिया था, तो मैंने यहाँ पे जो है वो इतनी इसको सिर्फ सिलाई दी है। वापस इसको पलट के ले जाएं, और यहाँ पे दोनों तरफ से जो है वो आपको कॉर्नर से सिलाई डबल करनी है। दोनों तरफ से मैंने ऐसे किया है। अब मेरा बैंड इस तरीके से है कि दरमियान से खुला हुआ है बिल्कुल, ठीक है। सिर्फ दोनों तरफ से सिलाई है मेरी। अब मैं इसको सीधा करूंगी। सीधा करने के बाद इसको बाकी का इसका जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसके अंदर जो है वो हम अपना कॉलर दबाएंगे, ठीक है। कॉलर दबाने के लिए सबसे पहले करनी ज़रूरी है कॉलर की कटिंग, तो चलें पहले कॉलर की कटिंग करते हैं। ये देखें, ये हमारा जो बैंड है वो इस तरीके से आ जाएगा। कॉलर की कटिंग करने के लिए सेम यही फैब्रिक जो है वो मेरे पास है, और इसका जो है वो मैंने नाप लगाया था। देखें, अच्छा नाप जो है वो हम किस तरीके से लगाएंगे वो भी मैं आपको बता देती हूँ। दोनों तरफ से हमने जो है ये बंद कर लिया है। बंद करने के बाद आप यहाँ से ये वाला जो हिस्सा है, ठीक है, जहाँ से हमने ये सिलाई को बंद किया है, यहाँ से आहिस्ता आहिस्ता आप इसको रखते हुए यहाँ तक लेके आएंगे इंच टेप को, ठीक है। ये देखें, तकरीबन ऑलमोस्ट 17 इंचेस है हमारे पास, ठीक है। ये 17 इंचेस का जो है वो तकरीबन हमारे पास बैंड बनेगा। तो इतना ही जो है वो मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है वो लिया है, इसके ऊपर जो है वो हम अपने कॉलर की कटिंग करेंगे। 17 का हाफ बनता है 8.5 इंचेस। 8.5 इंचेस पे रख के यहाँ पे मैं एक स्ट्रेट लाइन जो है वो ड्रॉ कर दूंगी, और ये वाला जो हिस्सा है ये हम इसको बिल्कुल स्ट्रेट ही रखेंगे, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर आपको ये वाला हिस्सा कटिंग करके निकालना है, तो यहाँ पे अगेन हम एक स्ट्रेट लाइन जो है वो ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पे भी हमने एक स्ट्रेट ही जो मार्क कर लिया है। अब हम यहाँ से रखेंगे ऑलमोस्ट 2.25 इंचेस, ठीक है। 2.25 इंचेस मुझे यहाँ से चाहिए, और तकरीबन 3 इंचेस भी मुझे यहाँ से पूरा नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ से तकरीबन लूँगी 2.75 इंचेस, ठीक है। और ये वाला और ये वाला जो निशान है, इसको मैं इंच टेप की मदद से ही, अगर आपके पास स्केल है, यहाँ इंच टेप से आपको सही नहीं जो है वो निशान आता आपका, आप स्केल रख के इन दोनों पॉइंट को जो है वो मिला लें, ठीक है। ये हमने यहाँ पे इन दोनों पॉइंट को जो है वो मिला लिया है। अब मुझे यहाँ पे कॉलर की जो, जैसे कहते हैं ना, नोक बनती है, वो मुझे टेढ़ी नहीं चाहिए, वो मुझे बिल्कुल सीधी चाहिए। अगर आपको टेढ़ी करनी है तो आप यहाँ से इसको ऐसे थोड़ा सा निशान ले जाओगे। मुझे क्योंकि बिल्कुल स्ट्रेट चाहिए, तो मैं इसको बिल्कुल स्ट्रेट ही रखूँगी। दोबारा मैं इसको नाप कर लेती हूँ। 8.5 मेरा बिल्कुल एक्यूरेट जो है वो नाप है। अब मैं इसको कटिंग कर लेती हूँ। व्यूअर्स, 8.5 जो है वो मेरा कॉलर था, तो मैंने 1/2 इंचेस जो है यहाँ पे छोड़ा है सिलाई का मार्जिन, ठीक है। अब हम इसको बिल्कुल उस तरीके से बैंड के ही तरीके से इसको एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर रखेंगे। फैब्रिक के ऊपर रखने के बाद हम इसको यहाँ से पूरी जो है वो इसको सिलाई देंगे। ये देखिए व्यूअर्स, अपने कॉलर को जो है वो मैंने, जो मैंने कट किया था उसको एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर रख लिया है। एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर रखने के बाद मैं यहाँ से इसको जो है वो ये डबल सिलाई यहाँ पे कर ली है। डबल सिलाई करने के बाद मैं यहाँ पे इसको लेके आती हूँ। यहाँ से जो है वो मेरे जो कॉलर है उसका कोना बनेगा, तो ठीक है। मैं यहाँ पे मैंने डबल धागा लिया है। डबल धागा लेके मैं यहाँ इसको अंदर की तरफ फंसाऊंगी। ये जो हमारी सुई है
और कपड़े के नीचे से, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसको एक सिलाई दे दूंगी, एक टांका उठाऊंगी इसका, ठीक है। टांका उठाने के बाद ये मेरा धागा जो है वो बिल्कुल इसके अंदर फंस गया है। अब इसको मैं नॉट लगा दूंगी, ठीक है। नॉट लगा दी है, नॉट लगाने के बाद इस धागे को हम अंदर की तरफ कर देंगे, सही है। इसका क्या काम था इसका मैं आपको बाद में बताती हूँ। यहाँ से मैं इसको अपनी सिलाई कंप्लीट करूंगी। सिलाई लगाने के बाद मैंने अपना कॉलर जो है उसको एक्स्ट्रा फैब्रिक से इसको कट कर लिया है। अब यहाँ पे जो हमने नोक कोने बनाए थे इसको हम हल्का हल्का सा कट कर देंगे ताकि हमारे जो कोने हैं वो आराम से बाहर की तरफ आ सके, ठीक है। अभी जो मैंने धागा निकाला था आपके सामने, अब हम इसको सीधा करेंगे और यहाँ से इस पकड़ के इस धागे को खींचेंगे तो इससे जो है ये देखें हमारी नोक बिल्कुल निकल के एकदम बिल्कुल ठीक से आ जाती है, ठीक है। इसलिए आपको ज़्यादा सीजर वगैरह जो है वो लगानी नहीं पड़ती या किसी और चीज़ का इस्तेमाल करना नहीं पड़ता। इसको करने से बहुत आराम से हमारी नोक जो है वो निकल गई है। अब जो है हम अपने इस कॉलर को अच्छे से प्रेस करेंगे। प्रेस करने के बाद क्या करना है वो आपको बताती हूँ। व्यूअर्स, ये है मेरा बैन और ये है मेरा कॉलर। इसको मैंने सीधा करके इसको अच्छे से प्रेस कर लिया है। प्रेस करने के बाद अब ये देखें फ्रंट साइड जो है ये अंदर की तरफ है, ठीक है। ये मेरी बैक साइड है बैन की। अब यहाँ से हम इसको रखेंगे कॉलर को इस वाली जगह से, ठीक है, यहाँ से लेके और बिल्कुल एंड तक इसको सेट कर लेंगे। सेट करने के बाद ये वाला जो हिस्सा था इसको इसके ऊपर रखते हुए यहाँ से हम एक बिल्कुल इसके साथ साथ जो है वो उसको सिलाई लगाएंगे। देखिए व्यूअर्स, सिलाई जो है वो मैंने लगा ली है अपने पूरे कॉलर पे, ठीक है। अब हम इसको सीधा करते हैं। ये देखें ये बिल्कुल हमारा इस तरीके से निकल के हमारा कॉलर जो है वो बाहर आ जाएगा। अब हम इसको जो है वो लगाएंगे अपनी शर्ट के ऊपर, शर्ट के नेक के ऊपर। इसको पहले अच्छे से प्रेस करेंगे। प्रेस करने के बाद इसको कैसे लगाएंगे ये मैं आपको बताऊंगी। देखिए व्यूअर्स, इसको प्रेस मैंने बिल्कुल अच्छे तरीके से कर लिया है। अब हमारा ये जो नेक है ये इस तरीके से आएगा कॉलर हमारा, ठीक है। अब हम इसको अटैच करेंगे अपनी शर्ट के साथ। बहुत आसान है, ये देखें ये हमारा नेक है, ठीक है। अब हम इसको इस तरीके से लगाएंगे कि ये वाला जो हमारा बैन है जहाँ पे मैंने सिलाई लगाई थी एक पैर की, ये हमारा बाहर की तरफ आएगा। यहाँ से ये जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको मैं लेके यहाँ से पूरा इसको सिलाई लगाऊंगी, ठीक है, पूरे दूसरी तरफ से लाके इसको जो है वो मैं ख़त्म करूँगी। व्यूअर्स, ये सिलाई जो है वो मैंने अपनी लगा ली है। सिलाई लगाने के बाद हमारी जो लास्ट सिलाई है वो हम यहाँ से शुरू करेंगे। ये देखें यहाँ से इसको हम अंदर की तरफ करेंगे और यहाँ से जो है हम अपनी जो फाइनल सिलाई है बाहर की वो हम इसको लगाएंगे, ठीक है। ये फाइनल सिलाई लगाने के बाद मैं आपको अपने कॉलर की फाइनल लुक दिखाती हूँ। ये देखें व्यूअर्स, फाइनल सिलाई जो है वो मेरी लग गई है, ठीक है। ये देखें ये मेरा बैंड नीचे वाला और ये हमारा ऊपर का कॉलर। अब हम इसको जो है अपने हिसाब से इसको सेट कर लें। ये देखें आप इसको अच्छे से प्रेस कर लें और ये देखें कि हमारे नेक जो है वो बनके बिल्कुल तैयार है। आप आई होप आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़।